आई आप भी ध्यान रखा करो ना। Thank God, मौज नहीं है। काकी, क्या हुआ? अरे वो मसाला कूट रही थी, ये गिर गया पाव पे। काकी आई, अब एक काम करो, उठो। आई, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे नहीं कार्तिक, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आई आप बिल्कुल ठीक नहीं है, डॉक्टर चेक कर लेगा ना तो आप ठीक हो जाओगे। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर कोई भी तकलीफ हुई तो मैं तुरंत तुझे बुला दूंगी। पक्का? पक्का। या तो चल रे काटिया, ये माँ से बात कर लेते और तू आराम कर रहे। जा बेटा। काकी अभी मिल के आई है मरीज से। मैं जानती हूं तू क्यों परेशान है। मैंने वो वीडियो देखा था सुरभि, और डिलीट भी मैंने ही किया। क्योंकि वो सच अगर कार्तिक के सामने आ जाता तो ताई कार्तिक को जान से मार देती। गलती तो मेरी ही है सुरभि, मुझे उस लड़की पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। समझ लेना चाहिए था कि ये सब ताई की चाल है। मैंने तो कार्तिक की और उसकी शादी तक तय कर ली, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने। काकी, आज ताई की असलियत सिर्फ तू और मैं जानते हैं, पर हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस सच के साथ कार्तिक की जिंदगी जुड़ी है बेटा। चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूं मैं अपने कार्तिक की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे सुरभि, क्या हुआ, कुछ चाहिए? अरे तो फिर यहाँ वो मुझे सिर दर्द हो रहा था कार्तिक। टैबलेट चाहिए? अरे वाह, मुझे खुद टैबलेट खाने से रोकने वाली मुझे खुद टैबलेट मांगने आई है। वैसे मेरे पास और एक सोल्यूशन है, चल बैठ के बताता हूँ। नहीं कार्तिक। अरे चल बैठ ना, आ जा आ जा। दुनिया की महान सूर्य माता का चमत्कारी नुस्खा है। अगर आपके सिर में दर्द हो
तो यू रुमाल निकालेगा, देख लीजिएगा आपको 5 मिनट में सिजर गायब। नहीं कार्तिक, रहने दीजिए। अरे सुरभि, ऐसे कैसे जाने दूं? दुनिया भर का तू इलाज करती है और खुद को इग्नोर करती है। चुपचाप बैठ जा यहाँ पे। कार्तिक आपको आंखें और जुबान दोनों बंद। कार्तिक आप और थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग भी बंद करके रखना। इतना सा दिमाग नहीं है तेरा, लेकिन जहां वहां दौड़ता रहता है। मुझे पता है तू अभी भी विशाखा के बारे में सोच रही है ना, इसलिए तेरा सर दर्द हो रहा है। अरे फिर मस्ती, शाम बैठना। एक काम करते हैं, हम लोग एक गेम खेलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वाला गेम, जिससे तेरा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। गेम क्या है? अरे सिंपल है, हमें एक दूसरे को आंखों में कंटिन्यूअसली देखना है, बिना पलक झपकाए। जिसकी पलक पहले झपकी वो हार जाएगा। खेल 1 2 3 एंड स्टार्ट। कुछ भी चाहा ना मांगा ना कोई की दुआ, फिर भी किस्मत ने हाले से एक साथी दे दिया। सुरभि, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिट यार, अपनी गेम में मैं खुद ही हार गई, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं, तेरी गलती है। तू ना एकदम परफेक्ट पिक्चर, ऑलराउंडर है, हर जगह तू ही आगे रहती है। नहीं कार्तिक, कुछ चीजें हैं जो मैं चाह के भी पूरा नहीं कर सकती। अब मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। अरे वाह, देखा सूरी माता का कमाल। बोलो सूरी माता की जय। लीजिए। ए रुक, ये लेके जा, तेरे काम आएगा। नहीं कार्तिक, दूसरे का रुमाल रखने से झगड़ा हो जाता है। अहला, ये कौन सा लॉजिक है? और अगर ये सच भी है ना, तो इस केस में काम नहीं आएगा। हाँ उल्टा हो सकता है, तेरे मेरे झगड़े बंद हो सकते हैं। कार्तिक आप सूरभि, मेरी एक बात अच्छी तरह समझ ले, हम दोनों को जिंदगी भर हमेशा साथ रहना है और हम कभी भी किसी वजह से अलग नहीं हो सकते। तू मेरी दोस्त है यार, मैं तेरे साथ हंस सकता हूँ, रो सकता हूँ, अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सकता हूँ। तू जितना मुझे समझती है ना, उतना कोई नहीं समझता। बस लाइफ में एक दोस्त की कमी थी, वो भी तूने आकर पूरी कर दी। मैं तुझे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता यार, देखा जाए तो शायद मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगा यार। यकीन पे बनती है, यकीन पे टिकती है। क्या आप पूरी जिंदगी ऐसे यकीन करेंगे मुझ पे? हाँ सुरभि, मैं अपने से ज्यादा तुझ पर भरोसा करता हूँ।
हमेशा करता रहूंगा। तुझसे ये वादा रहा। और मैं भी आपके इस यकीन को कभी नहीं टूटने दूंगी। आपको ताई के हाथों से बचाना अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं वो पूरा करके ही रहूंगी। ये वादा रहा। Smile. डेकोरेशन करने का है, एकदम लाइटिंग बीटिंग एकदम मस्त पे क्यों ना मांगता है, समझा ना? अरे घर के मालिक का ठाकुर पूरा है, ये एकदम पूरे घर को चमकाने का, वरना मैं तुम लोग को चमका देगी। इताई, ये चार कॉर्नर्स है ना, वहाँ पर बड़ा वाला बुके लगवाएंगे। हाँ, और ये बीच वाला पोर्शन ना खाली रहेगा। काहे को? ताई, डांस वान फुल ऑन मस्ती। शैला, तुम लोग का टैलेंट ना। सुरवी बड़ा वाला खूब टेंशन आ लेगा, कुछ भी करके इस सगाई को रोकना होगा। कार्तिक को सब बताएंगे हम। नहीं काकी, कार्तिक नहीं मानेंगे। मैंने बहुत बार कोशिश कर ली लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। हाँ, हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है ना। ये रघु, इधर आ रहे। मैं क्या बोल रही है, ये जो टीवी है ना, इसको हटाने का है। हाँ, और इधर अपन एक बड़ा सा स्क्रीन लगाएंगे जिसपे अपना कार्तिक का फोटो आएगा, बचपन से लेके आज तक का। और हाँ, एक तरफ मेरे को वो विशाखा का भी फोटो मांगता है, और बैकग्राउंड में बोले तो एकदम वो रोमांटिक म्यूजिक चलना चाहिए, कुछ कुछ होता है ऐसा वाला। वाओ ताई, व्हाट अ आईडिया। ताई, हमको मालूम नहीं था कि तो इतनी रोमांटिक है। बचपन से रे, बचपन से मैं ऐसी रोमांटिक है। मालूम है, पैदा होते ही मैं डॉक्टर को आंख मारी थी। तो मेरी आई को बोला एकदम रोमांटिक बेटी पैदा की तुमने। काकी, आप मुझ पर भरोसा करती है ना? सुरवी, ये क्या कोई सवाल है? करती हूँ बेटा। तो बस फिर आप चिंता मत कीजिए, मैं कार्तिक की एंगेजमेंट नहीं होने दूंगी। कार्तिक की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो तेरी पार्लर वाली को फोन लगा रहे, अपने को विशाखा को एकदम तैयार करने का ना, प्रिंसेस माफिक। ओके ताई। अरे सुरवी, इधर आ। एकदम बोले तो ना भंगी दिख रही है तू। ये क्या कपड़ा पहना है तूने? तेरे 50% वाले पार्टनर की सगाई है आज, तेरे को तो एकदम झकमक जैसा तैयार होना मांगता है ना। ऐसे कैसे तू गरीबों वाला कपड़ा पहन के आई? जा जाके चेंज कर के। अच्छा रुक, ये बिंदु, वो तेरी पार्लर वाली आ रही है ना, उसको बोलना मेरी सुरभी को भी एकदम चमका दे। ठीक है ताई, मैं फोन करके आती हूँ। बच्ची है रे मेरी तू, आंसू और जलन दोनों नहीं दिखनी चाहिए मेरे को।
तेरी किस्मत ही खराब है रे सुरभि, इतनी सी उम्र में तेरा दिल टूटेगा और तेरा प्यार छूटेगा। लेकिन गलती ना तेरी है, मंजे तेरी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना वो खिलौनों के साथ खेलते हैं और तू तू दिल का खेल खेलने लग गई। अब नुकसान हुआ है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। कमाल की बात है, पहली मोहब्बत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये आजकल के बच्चे कपड़े से ज्यादा तो मूड बदलते हैं। Excuse me, मुझे बिंदु ने बुलाया है मेकअप के लिए। ये विशाखा मैडम के रूम में लेके जा इसको। चला ये क्या मैसेज भेजा तूने मेरे को? हाँ ताई, क्या ये सब? अब तुझको अच्छी खासी हिंदी भी समझ में नहीं आ। कोई बात नहीं, मैं समझा देती। ताई, मैं तो बस अपना हफ्ता मांग रही हूँ, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए दो और सगाई कर लूंगी। तू मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। ना 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 ताई, कैसी बातें कर रही? मैं इतनी छोटी सी मछली, आप जैसी इतनी बड़ी मगरमच्छ को निगल पाऊंगी क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस आपको अपनी डील याद दिला रही। भूल गई क्या? याद है आपने मुझे कहा था शादी तय हुई तो पहला इंस्टॉलमेंट, सगाई के पहले दूसरा और शादी के पहले तीसरा। तो आज मालूम है मेरे को और तेरे को तेरा इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, समझी ना? मैं किधर भाग के नहीं जा रही है। नहीं ताई, सवाल भागने का नहीं है, डील इज डील। मुझे पैसा नहीं मिलेगा मैं तैयार नहीं होंगी। मैम आपका मेकअप? नहीं अभी नहीं। वो क्या है ना कि मेरे चेहरे पे पिंपल, दवा मंगवाई है मैंने, दवा आ जाए फिर करवा लूंगी। विशाखा तेरा नाटक बंद कर, समझी ना? भेज रही है मैं तेरी दवाई तेरे पास, वो शान पट्टी नहीं चाहिए मेरे को। और भूल मत, ताईशी गांठ है लक्ष्य ठेव, मेरे साथ पंगा नहीं चलेगा तेरा कोई भी। ताई दुल्हन का ड्रेस बोले तो एकदम झक्कास बनाया है। तो क्या मैं पहनेगी इसको? अरे जाकर दे ना उसको। ये सुरभि विशाखा को देखिया। मैम आप पिंपल्स की टेंशन मत लीजिए, मैं मेकअप में कवर कर दूंगी। समझ नहीं आता क्या? मेरा मूड नहीं है, कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा ठीक है, कर लो मेकअप, लेकिन हाँ सलीके से, आईलाइनर फाउंडेशन लिपस्टिक सब कुछ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। वो क्या है ना कि सगाई है मेरी, मुझे इतना खूबसूरत दिखना है, इतना खूबसूरत दिखना है कि कार्तिक मुझे देखता रह जाए। ड्रेस को बेड पे रख दो और हाँ एक फोल्ड भी नहीं आना चाहिए। ये क्या है ना कि जितनी तुम्हारी औकात भी नहीं है ना उतनी उस ड्रेस की कीमत है, समझी सुरभि?
जलने की बुआरी है ना सुरभि, एक काम करो जाके ठंडे पानी से नहा लो, अच्छा लगेगा। सुरभि, इंसान को हर बार जिंदगी में उसकी मनचाही चीज नहीं मिलती। है एक काम करती हूँ, इस ड्रेस को ट्राई कर लेती हूँ। एंगेजमेंट ड्रेस है ना, तो फिटिंग के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। विशाखा का मोबाइल है, इसमें वो वीडियो जरूर होगा जो मैंने रिकॉर्ड किया था।